हेलो गाइस, तो कैसे हो आप सभी लोग। आज हम दोबारा खेल रहे हैं पोकेमोन फेरेट। हाँ, मेरे को पता है कि ये एपिसोड बहुत दिनों के बाद आ रहा है, इसके लिए सॉरी यार। और इसका मेन रीज़न यही है कि इस जो सीरीज़ है इसको बनाने में मेरा बाकी जो गेम सीरीज़ हैं ज़्यादा टाइम लगता है यार, क्योंकि इसमें को पता है बाद में उनको फ्रेम लगानी पड़ती है, पोकेमोन के जो चेंजेस करने पड़ते हैं, इसलिए भाई इसमें ज़्यादा टाइम लगता है। भाई मैं हटाने को मैं पोकेमोन की फ्रेम हटा सकता हूँ, पर यार फिर जो गेम खेलने का स्वाद ही नहीं आएगा। उसमें मैं आपको पता लगता है कि हमने इतने पोकेमोन पकड़ लिए और जो कि हमारे चल रहे हैं और हमने इतने बजीस जीत लिए हैं। और आज के इस एपिसोड में हम ब्रोक को चैलेंज करने के लिए आए हैं। पिछली बार आपको याद होगा कि हम हार गए थे और यहाँ पर हमने इसको चैलेंज कर दिया और ये अपने बारे में बता रहा है कि मैं पत्थर की तरह सख्त हूँ और तुम मेरे को चैलेंज करने के लिए आए हो, चलो अपना बेस्ट दिखाओ। चलो हमने यहाँ पर इसको चैलेंज कर दिया है और यहाँ पर इसने अपना जियो दूध भेज दिया। यहाँ पर मेरे पास जहर था जिसको मैं स्विच करने वाला हूँ। पोकेमोन देख रहा था कोई अच्छा है नहीं मेरे पास, मेरे को ट्रेनिंग करनी पड़ेगी। और पिछले एपिसोड में मैं ट्रेनिंग की थी पर आपको याद ही होगा, तब भी यार और ट्रेनिंग करनी पड़ेगी। पर यहाँ पर मैंने 4 मिलियन को भेज दिया और मैंने एम्पायर अटैक यूज़ किया, इसने डिफेंस क्रल किया, मैंने मेटल क्लो किया, इसकी अच्छी खासी हेल्थ जा चुकी है। यहाँ पर एक अटैक और ये ख़त्म। यहाँ पर हमने इसका पहला पोकेमोन हरा दिया और इसका दूसरा पोकेमोन है ओनिक्स। इसके ओनिक्स के पास ना खतरनाक अटैक है रॉक टोम का, पिछले बार भी हम उसकी उसी अटैक की वजह से हार के थे, इस बार भी दिया पर अच्छा खासा डैमेज दिया, हम फेंट नहीं हुए। बस एक बार और ये ख़त्म हो जाएगा, ये भी ख़त्म। फाइनली हमने इसको हरा दिया, हमारा फर्स्ट जिम बैच हमको मिलने वाला है। यहाँ पर बता रहे क्या तुमने हरा दिया है और मैं हार चुका हूँ। चलो यहाँ पर स्किप करते हैं, जैसे तुमने जीता है और हमको यहाँ पर बोल्डर बैच मिलने वाला है ये बता रहा है। यहाँ पर हमको बोल्डर बैच मिल चुका है, हमारा फर्स्ट जिम बैच, और इसकी वजह से हमारे पोकेमोन और ताकतवर होंगे और फ्लैश मूव को हम यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर हमको 1400 रुपये एज ए विनिंग प्राइस मिला है और हमको यहाँ पर एक टीम मिला है, मतलब एक मूव मिला है, जो मूव है रॉक टॉम्ब, जो इसका ओनिक्स यूज़ कर रहा था, वो मूव हम अपने कोई भी पोकेमोन को सिखा सकते हैं अब। चलो अच्छी बात है, हमारे पास अभी कोई रॉक टाइप पोकेमोन नहीं है जिसको हम सिखा पाएँ। यहाँ पर हमने प्यूटर सिटी एक्सप्लोर कर रहे थे तो मेरे को म्यूज़ियम मिला, तो मैं यहाँ जा रहा हूँ। 50 रुपये टिकट है चाइल्ड की, वैसे हम चाइल्ड तो नहीं है, वह दल्त हो गए, तो पर यार टिकट सस्ती तो हमने ले ली। यहाँ पर एयरडैक्टिल का फॉसिल था और ये बता रहे हैं कि इनको फॉसिल लगना अच्छा लगता है। और यहाँ पर कबूतर का फॉसिल है और यहाँ पर एक रॉकेट है, ये पुराना रॉकेट है, इसलिए रखा हुआ म्यूज़ियम में। और यहाँ पर मेरे को मिल गया, कहते हैं हमको पिकाचू चाहिए। हाँ, यहाँ पर वो बता रहे हैं कि यहाँ पर एक्सिबिट हो रहा है, यहाँ पर मून स्टोन के बारे में बता रहा है कि मून स्टोन कहते हैं मून से ऐसा। और यहाँ पर वही मून स्टोन के कुछ फॉसिल्स पड़े हैं और ये अपनी ही कहानी सुनाने लग गया कि इस दिन मेरे का टीवी आया था और मैंने फॉसिल देखा था। चलो कोई ना, आगे चलते हैं, छोटा सा म्यूज़ियम है। और यहाँ पर मैं सारा सिटी एक्सप्लोर कर ली थी, यहाँ पर मेरे को जगह मिली, वहाँ पर ना बंद था, हम बाद में उसको एक्सेस कर सकते हैं। और यहाँ पर हमको प्रोफेसर मिल चुके हैं एक, जो कि प्रोफेसर ओक के लैब से आए हैं और ये हम इन्होंने हमको एक पार्सल दिया है, इसमें हमारे रनिंग शूज़ हैं जो कि हमारी मॉम ने दिए हैं। यहाँ पर वो लेटर भेजा उन्होंने कि तुम अपने चैलेंज से आगे करते रहो, कभी हार्ड गिव अप ना करना। यहाँ पर बहुत सारे ट्रेनर्स हैं, इनको हरा के हम आगे चलते हैं। यहाँ पर हम पहले पोकेमोन स्विच कर लेते हैं यार, वैसे पिकाचू को ट्रेन करना है मेरे को, क्योंकि अब अगला जिम है वाटर टाइप, तो मैं पिकाचू को स्विच कर लिया। यहाँ पर हमारी इससे बैटल हो रही है और यहाँ पर देखते हैं यार, इसको जल्दी हराते हैं। यहाँ पर बहुत सारे ट्रेनर आगे, यहाँ पर मैंने एक ट्रेनर को हरा दिया और हमारे यहाँ पर जहर इवॉल्व हो रहा है बीड्रिल में। चलो अच्छी बात है, मेरे को बीड्रिल से याद है कि मेरे को अपने बटरफ्री को भी हुआ है, मैं टेक बहुत को इवॉल्व करना है बटरफ्री में, थोड़ा भूल जाता हूँ यार। यहाँ पर हमको एक पोकेमोन की तलाश में है, हमको बस मिल जाए और आसपास देख लेते हैं। बहुत सारे लोग गैस लगा चुके होंगे कि हम किसको पकड़ने वाले हैं, यहाँ पर वो ज़्यादातर मिलता ही है। और ये आ चुका है नीडोरैन मेल वर्जन, इसको मेरे को चाहिए क्योंकि ये नीडो किंग बनता है और मेरा उनमें से फेरल पोकेमोन भी है एक, हमने इसको कैच कर लिया। अब इसका हम नामकरण करने वाले हैं, आपको पता ही है वैसे हम क्या नाम रखने वाले हैं, किंग नाम यहाँ पर हमने कर दिया क्योंकि मेल में है ना किंग।
यहाँ पर हमारा पिकाचू फेंट हो गया यार। चल कोई ना, आगे की ओर चलते हैं। यहाँ पर अलग टाइप के पोकेमोन है, पर मेरे को अभी कोई पोकेमोन नहीं पकड़ना। और हम आगे जा रहे हैं पोकेमोन सेंटर में। यहाँ पर हम हील कराते हैं जल्दी जल्दी। हमारे यहाँ पोकेमोन हील हो चुके हैं। और यहाँ पर एक अंकल खड़े हैं जो कि एक काम करते हैं, ये बता रहे हैं कि मेरे पास एक सीक्रेट पोकेमोन है जो कि है मैजिकार्प। ये 500 रुपये में हमको दे रहे हैं, डॉलर में दे रहे हैं। तो हम यहाँ हमने यहाँ पर इसको ले लिया क्योंकि मेरे पास वाटर पोकेमोन वैसे ही था और मेरे को चाहिए भी था क्योंकि मेरे को गैराडोस बहुत अच्छा लगता है। मैजिकार्प इवॉल्व हो गए गैराडोस बनता है। और यहाँ पर हम ट्रेनिंग कराने आ चुके हैं। और यहाँ पर हमारा कैटरपी भी इवॉल्व हो चुका है मेटापॉड में। चलो हमने एक काम और कर दिया, अब जल्दी से हमको इसको बटरफ्ली में इवॉल्व करना है। बटरफ्ली नाम भूल गया, बटरफ्ली। यहाँ पर हम दोबारा आ चुके हैं पोकेमोन सेंटर। और आज का एपिसोड मैं इतना ही रखने वाला हूँ। हाँ, थोड़ी सी तरक्की हुई है, पिछला एपिसोड 3 मिनट का था, 5 मिनट। चलो आज का एपिसोड हम इतना ही रखने वाले हैं, बाकी मिलते हैं अगले एपिसोड के साथ। अच्छा लगा तो लाइक कर देना, और चैनल पे नहीं हो सब्सक्राइब कर देना। बाय गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग।